हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग यहाँ चर्चा करना चाह रहे हैं। सामान्यतः ही पूछे कि जो भी हम जिस बातें हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण होती है उस पर वाद विवाद हो तो ठीक लगता है, संवाद हो तो ठीक लगता है। हम जनरली उसकी परिभाषा ऐसे करते हैं कि वाद मतलब कोई एक व्यक्ति कह रहा है सब मान ले रहा है, विवाद का वो मतलब निकालते हैं कि भाई कोई एक व्यक्ति कुछ कह रहा है ना, दूसरा कह रहा है कि तुम गलत हो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तीसरा कह रहा है कि तुम कह रहे हो गलत है मैं कह रहा हूँ सही है। संवाद उसको कह रहे हैं कि सभी लोग साथ मिल करके जांचने का समझने का प्रयास कर रहे कि क्या सही है क्या होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ संवाद करने का प्रयास करें। संवाद के लिए बहुत आवश्यक बात यह है कि जो भी कहा जाए प्रस्ताव के रूप में कहा जाए, तो यहाँ जो भी बात करी जाएगी प्रस्ताव के रूप में करी जाएगी और आप लोगों से ये निवेदन है कि उसको मान ना ले, उसको माने नहीं। तो मैं फिर एक बार पूछ लूँ, पहले भी 2-3 बार पूछा था, प्रवचन सुनने की मानसिकता से तो नहीं आए ना, तो कुछ मैं कहूँगा कुछ आप कहेंगे और हमारी आपकी जिंदगी के बारे मिलकर के कुछ जांचेंगे, ठीक है। जांचना कैसे होगा, तो एक तो तरीका यह है कि हम अपने अंदर देख ले हमको क्या स्वीकार होता है, तो इन सारे पैमानों पे जांचेंगे तो पता चलता है कि कोई भी बात कोई भी प्रस्ताव जो रखा जा रहा है वो मेरे लिए मेरे परिवार के लिए मेरे अपनों के लिए पूरी मानव जाति के लिए सही है कि नहीं। और हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिसको आप जांच ना सके, जैसे हम पहले सेशन में पूछे थे कि आपको विश्वास पूर्वक गिना स्वीकार होता है अविश्वास पूर्वक, विश्वास पूर्वक हर किसी को विश्वास पूर्वक, तो ऐसे ही हम जांच के इस बात को शुरू करेंगे। और इस शिविर की उपलब्धता ये रहेगी, इसकी सफलता ये रहेगी कि ये संवाद आपके भीतर शुरू होने लगे, जब सेशन नहीं चल रहा तो भी आपके भीतर बातें चलती रहे, आप जांचते रहे जिंदगी के बारे में कि मैंने क्या मान रखा है। शिविर खत्म होने के बाद भी इसको करते रहे तभी तो इसका फायदा है, तो ये पूरी बात को करने का हमारा यहाँ का तरीका है। ठंड तो रहेगी बट उसको उड़ाने के लिए वाद विवाद करने की जरूरत नहीं। इसमें हमने देखा था कि आज के दिन 3 तरह के भय हमको दिखते हैं। अगेन एकमात्र तरीका नहीं है बांटने का, आप कई तरीकों से बांट सकते हैं इसको, है ना। तो एक है हिंसक पशुओं का भय, एक है प्राकृतिक आपदाओं का भय और एक है मानव के अमानवीय व्यवहार का भय। यदि हिंदी में किसी को प्रॉब्लम है तो ऊपर अंग्रेजी शब्द आपको मिल जाएंगे, है ना। तो हमने बाकी सबसे तो पूछा था, आप जो परिवार एक नया है उनसे पूछ लेते हैं आपको इन 3 में से कौन सा भय आज के दिन सबसे ज्यादा तंग करता है, क्या उत्तर है आपका। जैसे हिंसक पशुओं का भय, बाघ का शेर का जो हिंसक पशु है उनका एक भय रहता है, प्राकृतिक आपदाओं का भय रहता है और मानव के अमानवीय व्यवहार का भय रहता है। सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी भी जिंदगी जीते हैं 3 में से कौन सा भय सबसे ज्यादा सताता है आपको, तीसरा वाला आपको, तीसरा वाला। कितनी बढ़िया बात है ना, सबका यही उत्तर आता है। इनफैक्ट कहीं भी किसी भी जगह शिविर करो कैसे भी तरह के लोग हो सबका उत्तर यही आता है। जबकि हम ये भी पूछ रहे थे कि हम ये शिक्षा दे रहे क्यों दे रहे, जो अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उनको मानवीय बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं ना, जबकि साक्षरता बढ़ी है कम हुई है और ये भय वो भी बढ़ा है। ये भी हम कुछ प्रश्न करके छोड़ दिए थे, यदि हमको लगता है कि शिक्षा की भूमिका ये है कि मानव में मानवता से जीने की योग्यता विकसित कर पाए और ऐसी शिक्षा आज के दिन हमको नहीं दिख रही तो उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी। तो हमने देखा था कि 3 लोग उसमें हमको दिखते हैं, मतलब 3 आयाम दिखते हैं, एक तो माता पिता, शिक्षक, समाज। सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी है, माता पिता की, उसके बाद शिक्षक और फिर समाज। तो हम अपने बच्चे को मानवीय आचरण से जीने योग्य बनाना चाहते हैं
तो एक माँ बाप होने के नाते हमको ये पता होना भी जरूरी है कि सही शिक्षा सही आचरण क्या है, प्लस वो हमारे जीने में भी हो, ये भी जरूरी है कि नहीं है? हैं, वही देख के सीखेगा। या तो हम माता पिता तो कभी बनेंगे, शिक्षक बने ना बने चॉइस है, समाज के रूप में तो जिएंगे, है ना। जैसे बहुत सिंपल उदाहरण है बट फिर भी ध्यान दे देना जरूरी है कि आप बच्चे को 100 बार कहो कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन आप झूठ बोलते हैं या बच्चे को पता है, तो क्या आप कह सकते हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोलेगा? ये कह सकते हैं कि बोलेगा ही। अब वो उस पर तय है, आपकी शिक्षा का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपके बोलने में और आपके जीने में उसको अंतर दिख रहा है। नहीं, आपके शिक्षक आपको कितनी बार कहे कि लोगों पे दया रखो, लेकिन जब होमवर्क नहीं लाते तब जो उनका दयाहीन स्वरूप दिखता है। इससे हम भले 1000 बार ये सुन ले के दया रखो, हमको भी गुस्सा आ ही जाता है। नहीं, तो सही शिक्षा संस्कार उपलब्ध कराने के लिए, अपने परिवार में इस वातावरण को खड़ा करने के लिए दो प्रमुख बातों को हम प्रस्तावित कर रहे हैं। पहली, सही शिक्षा संस्कार क्या है, मानवीयता से जीने का स्वरूप क्या है, उसका हमको पता हो। दूसरा, वो हमारे आचरण से व्यक्त होता हो। दोनों जरूरी है, किसी एक को छोड़ सकते हैं, दोनों जरूरी है ना। ठीक, आगे हमने एक और प्रश्न पूछा था, क्या मानवीय संबंध महत्वपूर्ण है? सबका उत्तर आया था हाँ। हमने कहा था हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं कि हम कुछ प्रश्न आपको आपकी चाहना के बारे में पूछते हैं, फिर आपको कुछ प्रश्न आपकी होने के बारे में पूछते हैं, फिर आपको कुछ प्रश्न आपके करने के बारे में पूछते हैं। पहले तो चाहना और होना, ये दोनों एक है, अलग अलग। तो आपकी चाहना के बारे में एक प्रश्न पूछा कि आप सुखी होना चाहते हैं, आपका उत्तर बहुत जोर जोर से आया था हाँ। आपसे पूछा था कि क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं, तब थोड़ा ज्यादा जोर से उत्तर आया था। फिर पूछा था कि निरंतरता चाहते हैं, हाँ हाँ चाहते हैं, यहाँ सन्नाटा छा गया था। क्या हम सुखी है, क्या हम समृद्ध है, क्या हम सुख और समृद्धि की निरंतरता को बनाए रख पाने में सक्षम है? सोचना पड़ता है कि नहीं? नहीं। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने ये बात करी थी कि ये गैप क्यों है, डिफरेंस क्यों है चाहना में और होना में। मेहनत तो खूब कर रहे, इनफैक्ट जितने बड़े होते जा रहे हैं मेहनत और बढ़ती जाती है। नहीं, आप जब छोटे थे तब कितनी मेहनत करते थे, आज के दिन कितनी मेहनत करते, आज के 10 साल बाद कितनी मेहनत करेंगे? बढ़ेगी ही ना, कम थोड़ी होगी। लेकिन आप जितना सुख चाहते हैं और जितना सुख आपको मिलता है, बचपन में ये गैप कितना था, आज कितना है? कि मम्मी पापा को देखेंगे तो उनका गैप कितना है, आपसे कम है ज्यादा है? ऐसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है गैप बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। अब ठीक से देखेंगे तो हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को ज्यादा ही उपलब्ध कराना चाहती कराती भी है। शायद ही कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो ये कहे कि हमने जितना सुविधा भोगी हमारे बच्चों को उससे कम मिला, शायद ही कोई ऐसा घर होगा। नहीं, बाकी जिंदगी न्योछावर कर दी। हमने कहा था ना कि उनकी एक अपनी स्टोरी होती है, जब इतनी एज के हुए थे तब चप्पल खरीदी थी, इतनी एज के थे तब साइकिल खरीदी थी। हमको तो याद भी नहीं है कौन सा पहली चप्पल कौन सी पहन के घूमे थे, कब ला के दी थी। साइकिल के तो इतने वर्जन, पहले तो एक बड़े वाली साइकिल होती थी, उसके अंदर से कैसे पहले तो पैर ऐसे डाल के दूसरा यहाँ रखना है, वो एक कला थी उन लोगों की, हम में नहीं है वो। नहीं,
हमारी तो ऐसी 3 पहियों वाली भी साइकिल आती, घर में इतना घूमते रहते हैं। तो जितनी सुविधा हमारे माँ बाप ने भोगी उससे हमको ज्यादा ही दी। जो बड़े लोग हैं उनसे पूछ ले, जितनी आपने भोगी उससे आपके बेटा बेटी को ज्यादा ही दी। बट क्या लगता है, आप अपनी उस जमाने में जितने सुखी थे, आपके परिवार में जो संबंधों में मधुरता थी, आज उससे कम है ज्यादा है? तो ये गैप बढ़ क्यों रहा है इतनी मेहनत करने के बाद भी? मेहनत में कोई कसर है? दिशा गलत पकड़ ली है। जैसे आपको यहाँ से कहा जाए कि आपको दिल्ली जाना है, मैं सुन के आप सीधा दौड़ने लगे, बट साउथ में दौड़ रहे, खूब दम लगा के दौड़ रहे, पहुंचेंगे दिल्ली? चित्तौड़ भी रुके तो ठीक है, वरना साउथ इंडिया पहुंच जाएंगे। हमारे साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? मैंने कहा था इस पर आप कुछ सोचिए, किसी ने कुछ सोचा हो तो बताइए। क्या हमने ऐसा तो नहीं मान रखा कि सुविधाएं बढ़ा लेने से सुख बढ़ जाएगा? क्या आपने ये तो नहीं मान रखा कि संबंध ठीक होने का उपाय ये है कि घर में सुविधाओं को बढ़ा लिया जाए? क्या आपने ये तो नहीं मान रखा है कि पति पत्नी संबंध में ठीक जीने का एकमात्र तरीका है हर महीने कोई एक गिफ्ट ला के दो? क्या आपने ये तो नहीं मान रखा है कि कपड़े बढ़ा लेने से, कपड़े अच्छे पहन लेने से व्यवहार अच्छा हो जाता है? क्या लगता है, ऐसा मान रखा है? कहीं ना कहीं नहीं मान रखा है। सही है गलत है दिशा? और ये जो डायरेक्शन पकड़ के रखी है कि सुविधाओं को बढ़ा लेने से सुख बढ़ जाएगा, घर में बर्तन बढ़ा लेंगे तो खाने में स्वाद ज़्यादा आ जाएगा, या मसाले ज़्यादा डाल दें तो स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। कई घर में तो ये देखता हूँ वैसे भी है कि जो बना के खाना चाहे खा सकते हैं, बट कभी भोजन में रस नहीं आता। नहीं, कोई ना कोई टेंशन चलती रहती है, कोई ना कोई झगड़ा करके ही बैठते हैं खाना खाने। तो सब लोग साथ बैठ जाए वो तो एक रेयर केस बनता है। नहीं, सब लोग साथ बैठ के खाना खा ले तब तो लगता है बहुत अच्छा हो गया, तो सबने साथ बैठ के खाना खा लिया। मतलब पुराने, हम तो यंग लोग हैं बट टीवी सीरियलों में देखा है, लोगों से सुना है कि पहले तो 40-50 लोगों के परिवार से फिर भी साथ बैठ के खाते थे, 15-20 लोगों के परिवार तो हमने भी देखे होंगे शायद। नहीं, मुझे लगता है थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो आप ठीक से सोच पाएंगे। एक और प्रश्न पूछते हैं, ये तो नहीं लग रहा ना बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं? वो शिविर लेने बुलाया, प्रश्न पूछने बुलाया है। आज के दिन सुबह से शाम तक जितना दुख हम झेलते हैं, ज्यादा दुख किसके कारण झेलते? सुविधा के अभाव के कारण, संबंध में गड़बड़ के कारण? आगे सब खाली पड़ा है, वैसे आना चाहे तो आ ही सकते हैं, बट आपको कंफर्टेबल लगा तो कोई फोर्स नहीं, मतलब जगह खाली है वैसे। तो क्या लग रहा है, ज्यादा दुख किसके कारण है? संबंध में गड़बड़ के कारण। इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, भारी तो नहीं पड़ रहा ना? सुबह से आए तब से दुखी एक्सप्लोर कराए जा रहे हो। थोड़ा सुख के बारे में भी बताओ। तो कोई ऐसी घटना याद करिए जब आपको सुविधा में बहुत दिक्कत हुई हो, उस टाइम आपको बहुत कष्ट लगा हो सुविधा के क्षेत्र में कोई। जैसे मेरी एक घटना में बताऊं तो, मैं जब बिजनौर जा रहा था यूपी, तो स्लीपर कोच में जा रहा था और सख्त ठंड लगी थी और खिड़की में गैप था, मस्त हवा आ रही थी, वहीं बर्फ हो जाऊं ऐसी। तो वो बहुत उस वक्त तो एक कष्ट था सुविधा को लेकर के। आज याद कर रहा हूं तो क्या लग रहा है, दुखी हो रहा हूं, हंस रहा हूं? आपका कोई किस्सा याद करिए जब किसी सुविधा को लेकर के बहुत कष्ट पहुंचा था आपको,
आज उसको वापस याद करते दुख हो रहा है, हंसी आ रही है, ऐसा लग रहा है हाँ ऐसा हुआ था। अब कोई ऐसी घटना याद है जब संबंध में गड़बड़ हो गई थी, जिसको आप बहुत आपका अपना करीबी मान रहे थे, उसने भरोसा तोड़ा था, क्या लग रहा है उसको याद करके आज भी उतना दुख महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? ये सुविधा में जब कोई गड़बड़ होती है थोड़े टाइम में भूल भी जाते हैं, संबंध में गड़बड़ होती है सालों तक नहीं भूलते, पीढ़ियों तक नहीं भूलते, पीढ़ियों बाद भी यदि उस व्यक्ति का नाम कोई ले ले तो एकदम बेचैन हो जाते हैं। भले ही पूरा वातावरण बहुत अच्छा है, पूरा उत्सव वाला माहौल है, सब खुश है, हम भी खुश है, बट कोई उस व्यक्ति का नाम ले ले बस अचानक से पता नहीं कहाँ से ज्वालामुखी फट जाता है, इतनी बेचैनी भरी पड़ी जब अंदर। ये सुविधा में ज्यादा बेचैनी है, संबंध में ज्यादा है? ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, तीव्रता ज्यादा किसकी है, सुविधा वाले दुख की संबंध वाले दुख की? सबका ऐसा ही है, किसी का कुछ अलग है इसमें? लगता है कि नहीं हमको संबंध वाले दुख ज्यादा परेशान नहीं करते, सुविधा वाले ज्यादा परेशान करते हैं? अब एक और प्रश्न पूछ लेता हूं, यदि आपको पक्का पता है कि संबंध वाला दुख बहुत ज्यादा है, सुविधा वाला कम है, आपके दिन भर का सारा एफर्ट सारा प्रयास किस क्षेत्र में? सुविधा पूरा करने में, संबंध को ठीक करने में? अब बताइए, एक मेहनत में कसर है, दिशा में कसर है? ठीक लग रही है बात? अपने घर की कहानी है या कोई परी कथा है? अपने घर की कहानी, संबंध में गड़बड़ हो भी जा रही है, उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते? सुविधा में गड़बड़ हो जा रही है, अपने पास 100 प्लान है ऐसे पूरा हो सकता है, संबंध में गड़बड़ हो जा रही है, क्या प्लान है अपने पास? या करते भी है तो क्या करते हैं? और गिफ्ट दे देते हैं? ये गिफ्ट देने से संबंध की जो कमी है वो दूर हो जाती है, ढक जाती है, ढक जाती है तो दूर हो जाती है, क्या होता है? हो सकता है बेमन से ले, हो सकता है बहुत अच्छा उसको पसंद था वो लाके दे दिया तो थोड़ा टाइम खुश हो ले, बट वो झगड़ा टल जा रहा है, झगड़ा पोस्टपोन्ड हो रहा है, जब लौट के आएगा तो सूट समेत लौट के आएगा। नहीं, तो सब करते हैं तो बहुत अच्छा है, याद भी रहता है, तो एक ऐसे मजेदार किस्सा बना था ऐसा याद रहता है कि हम वहां फंस गए थे, कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, फिर हमको इतना पैदल चल के आना पड़ा, ऐसे हंसते हंसते याद करते हैं। नहीं, लेकिन कोई छोड़ के चला गया था, उतर जाओ गाड़ी से, अब उसकी गाड़ी भी चलती देख ले तो भी तुम बेचैन हो जाते हैं? नहीं, क्या करना पड़ेगा? संबंध वाले भाग पे ध्यान देना पड़ेगा या अभी भी सुविधा पूरी करने में लगे रहे पर्याप्त है? संबंध वाले भाग पे ध्यान देना पड़ेगा, इसी के लिए ये शिविर आयोजित हुआ है कि हम इस पर कुछ सोच पाए। तो वही सब बात लिखिए जो अभी मैं बोल गया, कि हम समझते हैं कि सुविधा में कमी है वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, संबंध में कमी है वो बड़ा मुद्दा है,
फिर भी हमारा सारा प्रयास संबंधों के पीछे लगने के बदले कहीं ना कहीं सुविधा के पीछे लग रहा हो, ऐसा हमको लगता है। अभी जो भाई बता रहे थे कि स्कूटर तो चाहिए ना, हम भी कह रहे हैं कि सुविधा आवश्यक तो है, पर्याप्त है। आवश्यक में और पर्याप्त में एक भेद है ना। आवश्यक का मतलब है चाहिए, पर्याप्त का मतलब है उससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो कुछ प्रश्न हमने पूछे थे, मैंने कहा था आप और भी बना सकते हैं कि कौन सा एसी लगाने से मन शांत रहता है, कौन सी गाड़ी ला देने से झगड़ा नहीं होता है, किस डिजाइन का सोफा ला दे तो उस पर आके बैठा मेहमान हमारे बारे अच्छी बातें बोलता है। तो ये सब तो दिखता है कि सुविधा से तय नहीं होता, कहाँ से तय होता है, संबंध वाले बात। तो हम ये कह रहे हैं कि मानव के लिए सुविधा आवश्यक तो है, बट पर्याप्त भी है या उससे अतिरिक्त भी कुछ चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। ध्यान से देखे तो हम में और पशुओं में कुछ अंतर है। गाय को देखेंगे, उसको चारा मिल जाता है, धूप में छांव मिल जाती है, उसको कोई मारपीट नहीं कर रहा, आराम से बैठ के जुगाली करती है। ऐसा ही होता है, कुत्ते को रोटी मिल जा रही, रहने को घर मिल जा रहा है, कोई उसको परेशान नहीं कर रहा, सो जाता है आराम से। सुविधा मिल गई बस, और क्या चाहिए जिंदगी में। आपका ऐसा है? खाना मिल गया, रहने को घर मिल गया, आराम रहता है, फिर भी बेचैनी बन सकती है? बन सकती, सारी सुविधाएं हो, एकदम फुल फैसिलिटी वाला कमरा हो, एकदम आपको अच्छा लगे ऐसा टेम्परेचर हो, कलर बलर सब आपको अच्छे लगे ऐसे हो, बट किसी से झगड़ा करके आए हैं अंदर, आराम में रहेंगे, बेचैन रहेंगे, बेचैन रहेंगे, जबकि है सारी सुविधाएं आपके लिए जो चाहिए वो। तो पशुओं के लिए हम ये कहेंगे सुविधाएं आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। मानव के लिए सुविधाएं आवश्यक तो है पर पर्याप्त नहीं, उसके अलावा भी हमको कुछ चाहिए, उसके अलावा भी हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तो हम ये दो बॉक्स बना के दो बातें लिख रहे हैं, एक साइड लिखे सुविधा, एक साइड लिखा संबंध। हमने इतनी बातें करी, आप इतना अपने में जांच के देख रहे, क्या आंसर बन रहा है? दोनों चाहिए, किसी एक को छोड़ सकते हैं? दोनों चाहिए। प्रयास किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ एक के लिए। ज्यादा दुख किसके कारण है, उस पर ध्यान कितना दे रहे हैं? कम। अच्छा, घर में इन दोनों में से क्या उपलब्ध कराना आसान है? बच्चों को क्या देना आसान है? सुविधा देना आसान है, संस्कार देना आसान है? आसान क्या है, इजी क्या है? सुविधा उपलब्ध करा देना। जबकि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? संस्कार। और इंटरेस्टिंग मुद्दा तो तब बनता है जब घर में दो बच्चे होते हैं और लगभग लगभग दोनों की एज सेम होती है। हम घर में जो भी चीज लाई जाती है दोनों झगड़ते हैं उसके लिए, इसका क्या उपाय? क्या जनरली क्या उपाय देखते हैं आप? दो ला दो, नहीं यही उपाय होता है। एक चीज घर में ले आए, दो बच्चे हैं, दोनों झगड़ रहे हैं, क्या उपाय है उसका? क्या उपाय हम करते हैं? दो ला देते हैं। यदि उन दोनों को पाने के लिए आपस में झगड़ते कि ये मेरा था ये तेरा था, ये टूट गया वो मेरा नहीं है तो तेरा है, अब क्या उपाय है? बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे वहां एक परिवार था जिन्होंने एक परमानेंट मार्कर ला रखी थी इसके उपाय के लिए। उस मार्कर का क्या करते हो गया? आप समझ ही गए, जैसे ही कोई चीज आई
दो पीस आएंगे सेम टू सेम, और दोनों के नाम लिख दिए जाएंगे ऊपर। अब दोनों तुम तुम्हारे से खेलो, तुम तुम्हारे से खेलो। यहां मामला रुक जाता है कि वो उसकी लेके भी कभी पटक देता है। अब यहां तक बात है कि उसने मेरा खिलौना छीन लिया, तो जिसका छीन लिया कायदे के हिसाब से उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो अपना आवाज उठाएगा, फिर विरोध जाके वहीं करेगा। आप कहाँ विरोध करते, कोर्ट में जो कायदे बनाते हैं उन्हीं के पास तो विरोध करने जाते हैं। अब उसके पास अन्याय हुआ, आवाज कहाँ उठाएगा, आप ही के पास तो आएगा। आपके कायदे का भंग हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो मेरा खिलौना ले गया, तब तो आप डांट डपट करके दे देते थे, चल ले ले, अब तुम तुम्हारे से खेलो। तोड़ दिया हो तो अब जो आवाज उठा रहा है उसका क्या, कैसे आप सॉल्व करेंगे? जिसने तोड़ा वो उसको डांटेंगे मारेंगे, उससे वो शांत कैसे हो जाता है? टूट गया भाई तुम्हारा खिलौना, उसको मारने से जुड़ तो नहीं गया। तो बहुत बारीक बात है ना, कभी उस बच्चे से पूछिए कि तुम्हारा खिलौना टूट गया, तुम रोने लगे, इसको मार पड़ी तो तुम शांत क्यों हो गए? कहीं ना कहीं बचपन से ही हम बच्चों को ये मानसिकता तो नहीं दे रहे कि जिसने तुमको दुख पहुंचाया उसको दुख पहुंचा दो तो तुम्हारा दुख दूर। जबकि होता है क्या ऐसा, छोटे हैं तब तो खिलौनों से लड़ते हैं, थोड़े बड़े हो गए तब पढ़ने लिखने जाते, मेरा इरेजर इसने ले लिया, मेरी पेंसिल ले ली, अब दोनों को दो कॉपियां देते। थोड़े और बड़े हो गए तो साइकिल के लिए लड़ते, कपड़ों के लिए लड़ते। थोड़े और बड़े हो गए तो और बड़ी बातों के लिए लड़ते। बहुत बड़े हो गए तो जमीन जायदाद के लिए, घर के लिए लड़ते। तो आज घर में यदि जायदाद को लेकर के दो भाई के बीच झगड़ा चल रहा है, आज यदि घर को लेकर के दो भाइयों के बीच झगड़ा चल रहा है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस झगड़े के बीज तब बोए गए थे जब आपने दोनों को अलग अलग खिलौने लाके दिए थे? गलत होगा ऐसा कहना, बहुत बारीक बारीक बातें हैं ना। बचपन से ही बीज बो दिए थे, बचपन से ही उसको नर्चर करते आ रहे थे, बचपन से ही उसको पुष्ट करते आ रहे थे। अब जब इतना बड़ा झगड़ा हो गया है तब बैठ के सोच रहे कि ये दोनों साथ क्यों नहीं रह रहे, जबकि दोनों को अलग अलग रूप से क्या उपलब्ध कराया फिर सुविधा? तुमको ये चाहिए, तुमको भी चाहिए, दोनों को एक एक दे दो, मामला खत्म हो गया। बल्कि जब भैया ने कहा कि दोनों को एक ला के दो और ये कहो कि दोनों साथ साथ खेलो, तो इसके साथ इसका भी ध्यान रखते हैं। यदि दोनों का एक संयुक्त खिलौना था, एक ने तोड़ दिया दूसरा रोने लगा, तो उस बच्चे को बुला के कभी पूछ लो कि ये तो टूट गया, तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये खिलौना या तुम्हारा भाई? पूछ सकते हैं ना, बच्चा भी बता सकता है, ये खिलौना तो टूट गया, ये इंपॉर्टेंट था, तुम्हारा भाई इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बहन इंपॉर्टेंट, ये तो नया आ जाएगा। लेकिन जो भाई है जो बहन है उसके साथ प्यार से जीना चाहते हो, झगड़ा करना चाहते हो, क्या उत्तर देगा बच्चा? यदि माँ बाप के आचरण में ही ये चीजें हैं तो बच्चा तो वही उत्तर देगा ना, प्यार से जीना चाहता हूँ, संबंध में जीना चाहता हूँ। इस तरह से दो भाई बड़े हो कि जहां दोनों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया लेकिन हर वक्त संबंध का भी ध्यान रखा गया। अब दोनों भाई बड़ा होकर झगड़ा करे इसकी संभावना कितनी है? दोनों की शादियां हो जाए, बहू या के झगड़ा करवाना चाहे तो भी करा ले, उसकी संभावना कितनी है? बहुत कम। बचपन से ही दोनों के बीच सुविधा का बंटवारा करते आए, हमको लगता है सिर्फ खिलौने हैं उनके लिए तो वही उनकी सुविधा है ना, नहीं, हमको लगता है 15-20 रुपए की मोटर है और क्या है, दो ला के दे दो, उनके लिए तो वही जमीन जायदाद है। तब से ही बंटवारा शुरू किया था तो दोनों संयुक्त परिवार में रह लेंगे, एक साथ रह लेंगे, उसकी संभावना कितनी? ये भी बैठ गया और उसके बाद वाला स्टेप भी,
यदि इसने मेरा छीन लिया या तोड़ दिया तो उसको पीड़ा मिलनी चाहिए। एक ने एक का तोड़ दिया तो उसको मारते हो तो वो शांत हो जाता है, तो क्या कन्वे कर रहे हो आप? तुम्हारा खिलौना टूट गया वो तो वापस नहीं आएगा, बस जिसने तोड़ा उसको हम तोड़ेंगे तो तुम्हारा दुख दूर होगा। नहीं, यही मानसिकता जब फैलती है ना समाज में, हम ये सोच ही नहीं पाते कि अपराधियों को धरा भी जा सकता है। क्या हमको तो ये लगता है कि जिसने हमको दुख दिया उसको दुख मिलना ही चाहिए? ठीक है, बहुत सारे मुद्दे निकल सकते हैं ऐसे बारीक बारीक। नहीं, जब संबंध को भी थोड़ा एक्सप्लोर करके सोचेंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, ना सिर्फ ये अकेला, तो ऐसी बहुत सारी बारीक गलतियां दिखती हैं जो हम कर जाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ। अच्छा, अब यंग लोगों को भी देखे, माँ बाप से जितना झगड़ा कर रहे हैं, हमको सुविधा की कमी है ये कह के झगड़ा ज्यादा कर रहे हैं, या घर में संबंध ठीक नहीं है ये कह के झगड़ा ज्यादा कर रहे हैं? हम लोग ज्यादा जिद किसके लिए करते हैं, जबकि हमको खुद को भी पता है कि ये तो एक जरूरी चीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं। माइक लीजिए ना, एक मिनट एक मिनट। अपने घर से लेके आसपास मैं अभी सोच रहा था कि अगर कोई चीज़ एक बच्चे आके शिकायत करता है दूसरे बच्चे के बारे में, तो ये समझाना तो सामान्यतः नहीं होता है कि देखो सामान टूट गया कोई बात नहीं दूसरा आ जाएगा, भाई प्यारा है बहन प्यारी है या सामान प्यारा है, इसकी बजाय अप्रोच वही रहती है कि चलो इसने तोड़ा तो एक उसको थप्पड़ रख दिया, देखो इसको सजा दे दी, तो वो खुश हो जाता है, तो उसके मन में बैठ जाता है फिर ये ना कि जिसने मुझे दुख पहुंचाया उसको दुख मिलना ही चाहिए, अगर मेरी ताकत नहीं है वापस मारने की तो अपने बड़ों से इसकी पिटाई करवा के अपने बराबर, तो फिर वो जिंदगी भर उसको लगता है यही न्याय है। जबकि एक सिंपल प्रश्न पूछ ले उन लोगों से कि मान लो इनको खराब से खराब दुख दे दिया जाएगा, उससे आपको क्या सुख मिल जाएगा? थोड़ा ठीक से जांच के बताओ। कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे कि दे पाएंगे कुछ। बट खैर, ये तो झगड़े वाली बात हो गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि बहुत सामान्य सामान्य घटनाओं में भी हम जहां इसको इग्नोर करते हैं ना, जैसे बच्चों के साथ खिलौने वाला उदाहरण बताया, तो उसे दिखता है कि संस्कार बहुत बारीक चीज है। सुविधाएं दे देना, सुविधा उपलब्ध करा देना तो आसान है, संस्कार बहुत बारीक चीज है। वो खिलौने वाले उदाहरण से हम ये सीख सकते हैं कि हमें जो है बचपन से ही माफ करना नहीं सिखाया गया, तो बड़े होने पर भी जो झगड़ा जो होता है फैलता है ना, संबंध वापस बन नहीं पाते, तो अगर हमें माफ करना सिखाया गया होता तो वो झगड़ा होता ही नहीं, या हो गया होता तो बढ़ता नहीं। जी, ये माफ करना ना भी आपकी बात एकदम सही है, बट इसमें आजकल लोगों को लगता क्या है कि हम माफ कर रहे हैं मतलब हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, फिर आगे उनका एक वो है रामबाण आर्ग्यूमेंट, तब हम ही झेले नहीं, वो दिन में 10 गलतियां करता रहे, हर बार माफ करते रहे, आदमी की कोई लिमिट भी होती है कि नहीं होती, कब तक सहे? अभी ठीक से देखेंगे संबंध को, माफ करने का मतलब क्या है। मैं उसको 2 स्टेप में देखता हूं। पहला, तुमने कोई गड़बड़ की उससे मैं दुखी नहीं हुआ। दूसरा, ये जो तुम्हारी अपनी गड़बड़ है जो तुम बार बार कर रहे हो और खुद दुखी हो रहे हो, चलो उसको ठीक होने में सहयोग करता हूं मैं। नहीं, क्या लग रहा है इसके बारे में? एक तो हम दुखी होते हैं, दूसरा गड़बड़ करता है उससे,
फिर कोई कहता है कि माफ कर दो, हमको लगता है पहाड़ बन गया दुख का, इसको कहाँ सिसकाए। और एक बार थोड़ी गलती करी उसने, 100 बार करी, हमारे पास पूरी लिस्ट है, लिखो डायरी निकालता हूँ। अब अब भी आप कह रहे हो माफ कर दो, इतना बड़ा दुख बन गया कहाँ खिसकाएंगे इसको हम, और 101 भी बार गलती नहीं करेगा उसकी गारंटी आप लोगे क्या? तो दुखी हो जाते हैं फिर ये सारे प्रश्न है, लेकिन हम इतने मजबूत क्यों नहीं हो पाते कि तुम्हारी गड़बड़ से मैं दुखी नहीं हो रहा और फिर तुम्हारी जो गड़बड़ है उसको ठीक करने में सहयोग कर रहा हूं। ठीक है, पर भी सोचिए, हम तो अभी एक छोटी सी बात ये कह रहे हैं जो यहां लिखी हुई है, पशुओं को सुविधाओं से काम चल जाता है, हमको सिर्फ सुविधाओं से काम नहीं चलता। मैं लगभग तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, बट फिर भी बोल रहा हूं कि हम सुविधा को बाहर नहीं कर रहे। मैंने एक भी बार इन्हें बोला कि यह फिजूल की चीज है, इसको इसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए। मैं कह रहा हूं इसके साथ साथ ये भी चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? एक लड़की थी, मतलब 2-3 भाई बहन थे, वो तो मम्मी पापा मिडिल क्लास थे, तो जितना उपलब्ध करा पाए करा रहे थे, सही घटना है ना। और वो ऐसे ही उस परिवार में पली बड़ी बड़ी हुई। उसने दौरान उसने ये देखा कि मेरे पिताजी के एक मित्र भी है जो बहुत अच्छे हैं, जो कि फॉरेन रहते हैं, कभी कभी वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं, और जब भी पिताजी से बात करते हैं वीडियो कॉल से, मुझसे भी अचूक बात करते, बाकी लड़कों के प्रति उनको पता नहीं क्यों इतना मन नहीं है, मुझसे बात हर वक्त करते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं। बट वो कॉलेज में भी आ गई और उसके अपने सपने भी बने, जैसे आप लोगों के भी हो गए कि हमको ये करना है वो करना है जिंदगी में, है ना, इंडिपेंडेंट बनना है या सारे अपने शौक पूरे करने हैं, ये वो है, वो सब भी सपने बने उसके। बट माँ बाप थोड़े ना मिडिल क्लास थे, बट भाव रूप में कोई उनकी कमी नहीं थी। अब वो जो अमेरिका रह रहे थे उनके मित्र, वो वापस आए जब ये लगभग 19 या 20 साल की हुई, तब आकर के उन्होंने क्या कहा, हमारी बेटी हमको वापस दो, इनको कहा। तब इस बेटी को पता चला कि मैं इनकी बेटी नहीं हूं। ये जब अमेरिका जाने वाले थे तो उनका वीजा वीजा सब लग गया था, तब मैं बहुत छोटी थी, अब इतनी छोटी बेटी को लेके कहाँ फॉरेन जाएंगे, तो अपने एक दोस्त को कहा कि बेटी को संभालो, हम वहां जाएंगे पैसा कमाएंगे, कमा के वापस आएंगे, फिर इसको वापस ले लेंगे। लेकिन अब जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, इतना अच्छे से पाला कि इसको याद ही नहीं रहा कि ये मेरे माँ बाप नहीं थी, तो बहुत छोटी वो तो भूल भी गई, यही मानती रही कि यही मेरे माँ बाप, यही मेरे भाई बहन है। जो खुद के बेटे बेटी हो और किसी की बेटी हो, उसमें कुछ तो फर्क कभी तो पड़ता है 19-20 सालों में, लेकिन एक भी बार फर्क नहीं पड़ा। जैसे बाकी सब है वैसे ही मैं इनकी बेटी हूं। अब जो माँ बाप थे वो भी थोड़ा अड़ गए कि हम नहीं देंगे वापस, ये कोई वस्तु थोड़ी है, ये अमेरिका जाने से पहले रख के गए थे, अब कह रहे वापस दो, बेटी है। तो वो बोल रहे कि तुमने उसकी सारी सुविधा के लिए, कब उसको पढ़ाने के लिए, पैसों के लिए कितना खर्च किया है, बोला बताओ हम दे देंगे। तो उसने क्या वो सब खर्च तो दे दोगे, लेकिन जो भाव दिया है उसका कहाँ से हिसाब दोगे? तो ये नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम मान जाओ वरना हम कोर्ट में जाएंगे। तो उन्होंने कहा जाओ, तो मामला कोर्ट में पहुंच गया, एक बेटी के लिए लड़ने लगे वो लोग, है ना। तो जज ने कहा कि देखो बेटी 19-20 साल की है, 18 साल तो क्रॉस कर चुकी है, तो बेटी को खुद को डिसीजन लेना, तो क्यों से माँ बाप के साथ रहना है। अब ये कंफ्यूज हो गई, इस माँ बाप के साथ रहूं कि इस माँ बाप के साथ। तो कोर्ट ने 1 महीने की मुद्दत दी थी, उतना मतलब 20-22-25 दिन तो बीत गए होंगे, कुछ निर्णय नहीं ले पा रही, तो किसी के पास गई कोई समझदार व्यक्ति थे, बोली कि मैं इस तरह से कंफ्यूज हूँ,
उन्होंने कहा कि देखो ये कंफ्यूज हो, उसका सीधा मतलब तो ये है कि दोनों ओर तुमको कुछ अच्छा लग रहा है, इसलिए तो दोनों के बीच में कंफ्यूज हो, दोनों ओर क्या अच्छा लग रहा है। तो कह रही एक के एक जो है वो बहुत प्यार से मुझे रखते हैं, लेकिन उनके पास सुविधाएं थोड़ी कम है, मेरे शौक पूरे नहीं होंगे। और एक तरफ वो है जो मुझे छोड़ के चले गए थे जब मैं बहुत छोटी थी, अब आके अचानक मुझे पर क्लेम कर रहे हैं, बट पैसे बहुत हैं, मैं अपना बहुत सारे शौक पूरे कर सकती हूँ। अब आपको क्या लगता है, ये जो कन्फ्यूजन हुआ ये वैलिड कन्फ्यूजन है, या आप कहेंगे कि ये एकदम क्या सोचते हुए ऐसा कहें? तो जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि वे निर्णय तो तुम अपने हिसाब से लो, बट ये बताओ कि परिवार किससे चलता है, संबंध किससे चलता है, पैसों से, सुविधाओं से या भाव से, इस पर सोचो। तो उन्होंने काफी लगभग 15-20 मिनट बात की, फिर वो लड़की अपना गई। फिर उसने चूज किया कि जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। बट वो भी उस समझदार व्यक्ति ने सामने से पूछा कि भाई तुमने क्या तय किया, तो उसने कहा कि मैंने ये तय किया। अब ये जो कन्फ्यूजन हमारा बन जा रहा है ना, कि हम सुविधा को चुने या संबंध को चुने, ये क्लियर निर्णय नहीं होना चाहिए था। क्यों इतना कन्फ्यूजन बन जा रहा है? अच्छा, अब इसमें एक और चीज सोचते हैं, जिस व्यक्ति ने आपको आपकी जिंदगी के इतने बड़े प्रश्न पर सहायता की हो कि आपके माँ बाप कौन हो वो तय करने में सहयोग किया हो, उस व्यक्ति को आप भूल जाओगे या उसके प्रति कृतज्ञ रहोगे? वो उसको भूल गई, वो जिंदा भी है कि मर गई पता नहीं। अभी भी एक निर्णय हो गया या संबंध पे ध्यान गया, सिर्फ एक ही निर्णय हो गया उसका, एक ही निर्णय हो गया। तो ये वाकई में संबंध है क्या? मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए जिंदगी में? मैं सिर्फ सुविधाएं पाकर के, सुविधा भोगने के लिए, परिवार में सुविधा पर्याप्त करा देने के लिए, खुद पूरी जिंदगी सुविधा में दौड़ करके अपने बच्चों को भी सुविधा के पीछे दौड़ाने में लगा देने के लिए पैदा हुआ हूँ, या कुछ और भी पर्पज है मेरा? ये परिवार जो चलता है, कुछ लोगों के रहने खाने की सुविधा है, या कुछ और भी चीज है? इन सब चीजों पर समझने की कुछ जरूरत है नहीं है? तो इसलिए हम यहाँ एक और बात भी जोड़ देते हैं, समझ। अब फिर मैं वही प्रश्न पूछता हूं, सिर्फ सुविधा से काम चल जाएगा, तीनों चाहिए? अब तक दो थे, दो के बीच हम कंपेयर कर रहे थे, मैं तीसरे को भी जोड़ रहा हूं, उसको भी आप इंक्लूड करेंगे या कहेंगे नहीं चल नहीं चाहिए? अभी हम सोचते हैं कि समझ होती तो क्या होता, नहीं, जो ये लड़की का निर्णय था कि मुझे उसी माँ बाप के साथ रहना जिनने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन जो वो पैसों वाले थे, अमेरिका से लौट के आए थे, वो भी तो माँ बाप तो थे, वो भी भाव से तो जीना चाहते थे, नहीं? तो ये धिस वर्सेस दैट का निर्णय था क्या? दो घर की बेटी बन के नहीं रह सकती थी, नहीं? वैसे भी कुछ साल के बाद तो मायके ही जाना है, कौन सा एक घर में पड़े रहना है, सॉरी ससुराल ही जाना है, कौन सा एक ही घर में पड़े रहना है? नहीं, ये भी तो कह सकते थे कि आपके ओर से मुझे बहुत सारा भाव मिला है, इतने साल पाल पोस के बड़ा किया, तो आपके साथ तो रहूंगी, लेकिन वो भी तो मां है, भले इतने साल बाद अब तो भाव देना चाहते हैं, अब तो संबंध में जीना चाहते हैं, उनके साथ भी जी लूं, कुछ दिन आपके यहां रह लूंगी, कुछ दिन उनके यहां रह लूंगी, नहीं? और शादी के टाइम कन्यादान में दो दो माँ बाप होते, वैसे भी आधार कार्ड में, राशन कार्ड में पीछे तो पति का ही नाम जोड़ने वाला है, तो लीगल भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि पीछे किस का नाम जोड़ेंगे, नहीं? यदि समझदारी से सोचते हैं तो संबंध में भी एक और निखार आता है, खुद सोच पाते हैं। कोई सकता था ना, दो माँ बाप की बेटी भी बन सकती थी, और जिनका सिर्फ सुविधा पे ध्यान था उनका थोड़ा ध्यान भी दिला सकती थी,
कि अब तो संबंध में ठीक जी सकते हैं हम, भले अब तक छोड़ के चले गए थे। लेकिन जिस मानसिकता से एक निर्णय ले लिया, जिसने इतना सहयोग किया, उसके प्रति भी संबंध नहीं पहचान पाए कि इनको सहयोग, इन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया, इनके साथ ठीक से इसका निर्वाह करना है। क्या लगता है शादी के बाद एकदम क्लिट जिएगी, कहीं फंसेगी? फिर हम नहीं चाहते फंसे कहीं, होगा। तो बार बार यही पूछते रहते हैं कि सिर्फ सुविधा से काम चल जाएगा, शिक्षा के सारे विषय को पढ़ के, अपनी जिंदगी का सारा प्लानिंग करके, सुबह से शाम तक की अपनी सारी एक्टिविटी को देख करके, सिर्फ सुविधा को सेंटर में रख के चलेंगे, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, या संबंध को भी और समझ को भी लाना पड़ेगा? तीनों चाहिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, हजार बार कह चुका हूं कि सुविधा को बाहर नहीं कर रहे। तो इस पर हम ठीक से बात करेंगे कि कैसे हम तीनों को साथ रख के चल पाए, कैसे हम संबंधों को समझ पाए, कैसे हम सुविधा के सदुपयोग के बारे में भी समझ पाए। बिना समझ के बहुत सारी सुविधा आ जाने पर भी आदमी ठीक थोड़ी जी लेता है। सुविधा का सदुपयोग करने के लिए भी तो समझदारी चाहिए। तो इन तीनों को साथ रख के कैसे जी पाए, उसके ऊपर अगले 5 दिन में हम ठीक से बात करेंगे। उपयोगी रहेगा, अच्छा रहेगा। और इसी विधि से हल्के फुल्के भाषा में सबके साथ संवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तभी तो हम लोग लंच का ब्रेक करें।